हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन द बिगनर फ्रेंडली यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से कैनवा में इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वीडियो बना सकते हैं। यदि आप भी कैनवा का यूज करते हैं और उसके अंदर इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और साथ ही आप हमारे वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप जान सकें कि हम किस तरह से कैनवा में इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैनवा के अंदर इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट को क्रिएट करने के लिए सीखे थे। यदि आपको भी इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करने के लिए नहीं आता है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले कैनवा वेबसाइट को ओपन कर लेना है। कैनवा वेबसाइट को ओपन करने के बाद दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड सभी ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अब आप यहाँ पर जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी को क्रिएट करने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी और सेकंड है हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो। तो यदि आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, और यदि आप इमेज वाला स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इमेज वाला स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे जो भी काम करना है इसी पेज के अंदर करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जिस तरह का भी इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि मदर्स डे के लिए, फादर्स डे के लिए, टीचर्स डे के लिए, या फिर कोई फूड प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए। आप जिस चीज़ के लिए भी इंस्टाग्राम स्टोरी को क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कैनवा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पेज है, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारे पास कुछ टेम्पलेट है। आप जिस भी टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। और यदि आप मानिए जैसे कि आपको मदर्स डे के ऊपर यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी को क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको मदर्स डे से रिलेटेड टेम्पलेट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं मदर्स डे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर्स डे से रिलेटेड सभी टेम्पलेट हमारे पास आ गया है। लेकिन दोस्तों, हम लोग यहाँ पे खुद से इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वीडियो को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ फ्रेम्स को ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स वाले सेक्शन में आएंगे और हम लोग यहाँ पे फ्रेम वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। ये हमारे पास कुछ फ्रेम है। तो दोस्तों, आप मान लीजिए कि मैंने ये वाला फ्रेम को यहाँ पर ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पर दो फ्रेम को ऐड करता हूँ, इसी तरीके से मैंने कर लिया है। अब आप इसमें जो भी इमेज को डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में आएंगे और आपने अपने फाइल में जो भी इमेज को अपलोड करके रखा है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। आप इस तरीके से इसे ड्रैग करके अपने फ्रेम्स में डाल सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो इमेज को अपने पेज के अंदर डाल दिया है। आप मान लीजिए यहाँ पे मैं बर्थडे से रिलेटेड स्टोरी को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स में फिर से आकर सर्च कर लेंगे बर्थडे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्थडे से रिलेटेड सभी आइटम हमारे पास आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे इस वाले बैलून को ऐड कर लेते हैं। हमारा बैलून ऐड हो गया, और यदि आप कुछ फ्लावर को ऐड करना चाहते हैं तो फ्लावर ऐड कर सकते हैं। फ्लावर ऐड करने के बाद आप इसके पोजीशन को सेट कर सकते हैं। आप जिस पोजीशन में इसे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसे हम लोग यहाँ से इस फ्लावर को इस इमेज के अंदर कर देते हैं ताकि हमारा ये जो इमेज है और क्रिएटिव लगे देखने में। और इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे अपने पेज के कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ से जो भी बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से
ये वाला बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैप्पी बर्थडे। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में आकर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी बर्थडे और फिर हम लोग इसे रिसाइज कर लेंगे। आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से यदि आप चाहते हैं तो आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। और भी आप यदि इसमें कुछ बॉर्डर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे बॉर्डर सर्च कर लेना है और यहाँ पे आप जिस भी बॉर्डर को अपने इमेज में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इस बॉर्डर को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए रेडी हो गया है। अब हम लोग यहां से इसे डाउनलोड करते हैं। ये हम लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं। अब आप इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से कैनवा में इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप कैनवा का फुल कोर्स सीखने के लिए या फिर और अदर स्किल सीखने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें। सो थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग द बिगिनर फ्रेंडली यूट्यूब चैनल।